महेंद्रगढ़ वो विधानसभा जहां से दो दिग्गज आमने सामने है, लेकिन विरोध भी दोनों का कम नहीं है। आज एक और नेता ने भारी जनसमूह के साथ नामांकन किया, लेकिन किसी पार्टी से नहीं, निर्दलीय। इनका कहना है कि मेरे पास जन समर्थन की कमी नहीं। क्या ये जन समर्थन को बदल पाएंगे वोट में? क्या ये दे पाएंगे इन दो दिग्गजों को टक्कर? इतनी ज़्यादा तादाद में मातृशक्ति समर्थन में उतर आना कभी कभार ही होता है। हम बात कर रहे हैं राकेश कुमार उर्फ गौतम बुड़ीन की। आज होंगे स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में। नमस्कार, स्टेट न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन। आज स्टेट न्यूज हरियाणा एक्सक्लूसिव में जो हस्ती हमारे साथ मौजूद हैं, वो हैं राकेश कुमार उर्फ गौतम बुड़ीन, जो कि महेंद्रगढ़ विधानसभा से अब की बार निर्दलीय अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं, जहां से दो जो बड़े दिग्गज हैं रामबिलास शर्मा और दान सिंह, वो यहाँ हैं। उनके खिलाफ इनका कैसा परफॉर्मेंस रहेगा वो जानेंगे, और उसके बाद में हम इनसे जानते हैं कि ये इलाके के लिए क्या करने वाले हैं। सर, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित। और सबसे पहले मैं सभी बड़े बुज़ुर्गों को, मेरी माताओं को प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप ये बताइए, इस इलाके के लिए आप क्या काम करेंगे? ऐसा है भाई अमित, इलाके के लिए मेनली हम देखें तो यहाँ पर समस्याएं हैं, और उन समस्याओं में सबसे पहली समस्या तो हमारी किसानों की समस्या है, उसमें पानी की समस्या है। और पानी का जब प्रबंध हो जाता है, और पानी का प्रबंध होने से ही हमारे किसान समृद्ध बनते हैं और खेती अच्छी होती है। उसके बाद में शिक्षा में आप देखते हो, शिक्षा में भी आप देखोगे कि सरकारी स्कूलों में हमारे यहाँ पर सैकड़ों स्कूल बंद हो चुके हैं, और यहाँ से तो शिक्षा मंत्री था, तो ये भी एक मेन मुद्दा है। उसके बाद में बेरोज़गारी युवाओं में एक मेन मुद्दा है। उसके बाद में आप देखोगे कि हमारा महेंद्रगढ़ 7 जिलों में शामिल था, और वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर नारनौल में है, तो वो भी एक मेन मुद्दा है कि एक अलग से ही नारनौल को 23वां जिला बनाया जाए तो महेंद्रगढ़ का अपना अस्तित्व है वो अपने आप आ जाएगा। एक ये भी समस्या है यहाँ पर। उसके बाद में छोटी छोटी समस्याएं लाइट की, और जैसे अपनी बिजली है वो ढाणियों में लाइट नहीं है, तो ये भी समस्याएं हैं। और छोटे स्तर पे हम देखें तो भी कई प्रकार की, जैसे कि हम देखते हैं तहसील में भी, क्योंकि हम तो नीचे के स्तर से समस्याओं को देखते हैं, तो ये मेन समस्या है। और महेंद्रगढ़ में आप देख रहे हो एक रिंग रोड की भी पुरानी समस्या है, तो ये मेनली समस्या है महेंद्रगढ़। सर, अगर मैं बेरोज़गारी की बात करूं, क्योंकि आप भी एक युवा हैं, और आपके साथ जब मैंने आज देखा तो युवाओं की संख्या काफ़ी थी, तो उन युवाओं के लिए रोज़गार कैसे पैदा हो, इसके लिए क्या करेंगे आप? देखो भाई, ऐसा है कि रोज़गार में एक बात तो हमें माननी पड़ेगी, और वो सत्य भी है कि सभी को सरकारी नौकरी जॉब्स नहीं मिल सकती, सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, तो इसके लिए हमें मानव संसाधन विकसित करने पड़ेंगे। जैसे मानव संसाधन में पानी आता है, यहाँ पर मेनली समस्या है। अगर हम पानी का प्रबंध ठीक तरीके से कर दें तो एक परिवार भी गुजर बसर करता है, और उसका आसपास को सराउंडिंग एरिया है वो भी, उसमें क्योंकि ट्रैक्टर भी चलेगा, हल भी चलेगा, तो उससे और लोगों की भी आजीविका चलती है। और दूसरे नंबर पर आते हैं अपने उद्योग धंधे, वो यहाँ पर स्थापित करने पड़ेंगे। बड़े स्तर पे हो सकता है ना हो, लेकिन छोटे स्तर पे तो उद्योग धंधे हम लगा ही सकते हैं। उसके बाद में अगर हम शिक्षा सही देंगे, क्योंकि बहुत से परिवार ऐसे हैं जो अच्छी शिक्षा नहीं दिला पाते अपने बच्चों को, तो सरकारी स्कूल में अगर शिक्षा सही मिलेगी तो बच्चे आगे जाएंगे और कंपटीशन फाइट करेंगे, तो उससे भी बेरोज़गारी समाप्त होगी। तो ये मेनली तीन हैं, इनसे बेरोज़गारी समाप्त हो सकती है, इन पर फोकस रहेगा हमारा। सर, आप ये बताइए, क्योंकि जो हेडक्वार्टर्स हैं आपके, अगर जिला मुख्यालय की बात की जाए, तो उसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया, तो क्या लगता है आपको, क्या कारण रहे होंगे? वो मनसा होती है और करने का मन होता है जी। हमने पहले भी देखा है, और हम काफ़ी लंबे समय से देख रहे हैं कि ये मांग उठ रही है, और बार बार उठ रही है, और अब तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा बन चुका है। लेकिन प्रतिनिधि जो हैं, यहाँ से पहले भी बने प्रतिनिधि, जो पूर्व विधायक है और अब वर्तमान जो मंत्री था पीछे, उसने भी इस चीज़ को मतलब गंभीरता से नहीं लिया, यही एक बड़ा कारण है। नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं थी, गंभीरता से कोई काम करें और वो होना, क्योंकि सरकार के हाथ में सब कुछ होता है, तो नारनौल को
जिला बनाया जा सकता था और हमें अपने जितने भी अधिकार हैं वो मिल जाते अपने आप, तो वो गंभीरता से नहीं लिया इन्होंने। सर आपने अभी गंभीरता की बात की, तो अगर हम बात करें IMT खुडाना की, क्योंकि वो लाने के लिए पिछले काफ़ी समय से जद्दोजहद चल रही थी, लेकिन उसके बाद उसका शिलान्यास भी हुआ, बार बार उद्घाटन भी होते रहे, और इसी तरीके की एक चीज़ और अगर हम बात करें सब डिपो की, तो उसका भी उद्घाटन कर दिया गया, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे, यहाँ कोई गंभीरता दिखाई देती है? हाँ वही है, अपने काम के प्रति अपने कर्तव्य के प्रति वो सचेत ही नहीं है कि हमें करना क्या है, क्योंकि एक जिम्मेवारी मिलती है इनको। कोई भी पद से आप जब पद पे जनता आपको बनाती है तो वो सेवा करने के लिए बनाती है, जन सेवा करने के लिए बनाया जाता है, तो वही बात है, इनको अपने कर्तव्य का पता ही नहीं, वो बस ऐसे ही सोचते हैं, उम्मीद जगती है, एक बार उम्मीद जगती है और उसके बाद में फिर वो धराशायी हो जाती है। वो पीछे आप देख रहे हो कितनी उम्मीदें जगी लेकिन कोई काम नहीं हुआ, धरातल पर कोई काम नहीं हुआ, तो ये अचेतता मानते हैं हम इसको, ये अपने कर्तव्य के प्रति गंभीर नहीं है। तो आप IMT को और सब डिपो को क्या एक बड़ा मुद्दा मानते हैं, इन दोनों को कंप्लीट करा देना चाहिए ना? नहीं, मैं भाई साहब आपको पहले ही बताया ना, हमें सब डिपो क्यों, डिपो ही बनेगा ना, जब हम नारनौल को जिला बनाएंगे तो हमें डिपो ही बनेगा, सब डिपो क्यों बनेगा हमारे यहाँ पर, और IMT बननी चाहिए। काफ़ी लंबे समय से आप पीछे भी देख रहे हो जितने भी और डिस्ट्रिक्ट हैं वो काफ़ी विकसित हो चुके हैं, तो IMT बननी चाहिए और उसके ऊपर काम होगा और ज़रूर करेंगे हम उसको। और जो डिस्ट्रिक्ट वाला भी मैं बता रहा हूँ आपको कि एक साल के अंदर लोगों ने हम पर विश्वास लोग जताएंगे और उसके बाद में हम सेवा भाव से एक साल के अंदर अंदर नारनौल को डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे, 23वां महेंद्रगढ़ का अस्तित्व अपने आप आ जाएगा। दो बड़े नेता, अभी मैंने पीछे नाम भी लिया दोनों का, तो क्या लगता है इन दोनों को आप डिफीट कर पाएंगे? देखो डिफीट तो भाई अमित ऐसी बात है हम नहीं करते, डिफीट करती है जनता, और जनता को एक शब्द दिया गया है जनता जनार्दन, और ना ही तो टिकट से बनता है और ना ही पार्टी से बनता है। अगर चुना जाता है सेवा करने के लिए तो वो जनता के वोट से बनता है, और जनता हम पर विश्वास जता रही है क्योंकि पार्षद में हमने विश्वास दिलाया है और उनके विश्वास को हमने जीता है, जो हमें जिम्मेवारियां मिली थी उनका निर्वहन हमने अच्छे तरीके से किया है, तो जनता बनाती है, टिकट और पार्टी थोड़ी बनाती है, तो उसमें अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें जनता का, तो बिल्कुल जनता डिफीट करेगी जी। गाँव भी जा रहे हैं आप अभी, और आज आपने नामांकन भी किया, तो गांव जाते हुए आपको क्या लगा कि कितना समर्थन, क्योंकि समर्थन की बात अभी आपने की है, तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको? भाई अमित अच्छा सवाल किया आपने, मैं आपको बताऊं, मैंने लगभग 94 गांव में डोर टू डोर कर चुका हूं। 94 गांवों को हमने, हर घर को और हर कुएं को हमने ढूंढ ढूंढ के किया है, और एक एक व्यक्ति से हम मिले हैं, और कोशिश हम ये करते हैं कि घर में अगर 4 सदस्य हैं तो चारों से मिला जाए, क्योंकि ये जो वोट का अधिकार है सबका अपना अधिकार होता है, तो यही हमारा विश्वास है कि हम सबसे मिलते हैं और सारी समस्याएं उनके पास बैठ के ना हम जानते हैं। तो अभी इलेक्शन तो आ ही गए, बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, आप जो अपने वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आपके इस चैनल के माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा कि सभी मेरे सहयोगियों को, मेरे बड़े बुज़ुर्गों को, माताओं को, बहनों को और युवा साथियों को, आप सब ने हमारा भरपूर साथ दिया, और आपने जन चेतना रैली की वो भी आपने अच्छी की, आज नामांकन भरने के समय पे भी आप सब ने अच्छा सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद हमें देके गए। अब मैं ये चाहूँगा कि आगे आप जब तक लास्ट टाइम तक 21 तारीख को लास्ट वोट ना पड़े, जब तक आप रुके नहीं और थके नहीं, आप अपने कार्य में लगे रहें, क्योंकि कोई भी जब हम कार्य करते हैं तो उसमें अपना पूरा, अपनी तरफ से हमें पूरा लगाना चाहिए, पूरा देना चाहिए, और मैं यही कहूँगा कि हम सबका, जो हमसे जुड़ रहे हैं, सभी का सेवा का भाव है, और अपने कर्तव्य के प्रति हम सचेत रहेंगे, अच्छे रहेंगे। आप सब अपने गांव में, घर में, रिश्तेदारियों में, अपने अपने जितने भी लोग हैं उनसे संपर्क करो और आप लगे रहो, जुटे रहो, कामयाबी आपको मिलेगी, यही बताना चाहूँगा मैं सभी सहयोगियों को। सर स्टेट न्यूज़ हरियाणा से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित आपका भी, आप यहाँ पर आए, और बहुत बहुत ही धन्यवाद, बहुत बहुत ही प्रणाम मेरे सभी बड़े बुज़ुर्गों को, क्षेत्रवासियों को, बहुत बहुत ही धन्यवाद भाई। तो आपने देखा कि जैसा राकेश कुमार उर्फ गौतम बुडीन ने
बताया कि उनका जो विजन है वो जनता की भलाई है, जनता के काम करना है, और उन्होंने आगे आने वाले इलेक्शन के लिए भी जो विजन है उनका वो बताया। मैं अपने सहयोगी भोलू जांगड़ा के साथ अमित अमन, स्टेट न्यूज़ हरियाणा।